लोकायुक्त पुलिस ने कांग्रेस पार्षद अनवर दस्तक के भाई सलीम खान को 95,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। वह एक हाउसिंग सोसाइटी में पदाधिकारी है। एक प्लॉट की एनओसी देने के एवज में वह 1,00,000 रुपए रिश्वत मांग रहा था। पार्षद का परिवार दस्तक नाम से एक अखबार संचालित करता है। इस परिवार ने कई कॉलोनियां भी काटी है। पार्षद दस्तक पर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष से मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले में FIR भी दर्ज हुई थी। जानकारी के मुताबिक रघुवीर नगर गृह निर्माण संस्था, जिसकी ग्रीन पार्क कॉलोनी है, उसमें शौकत अली का प्लॉट है। उनके बेटे वासिफ अली NOC हासिल करने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन बिना रिश्वत के सलीम खान NOC देने को तैयार नहीं था। इसकी शिकायत पीड़ित व्यक्ति ने लोकायुक्त पुलिस में की थी। इस पर पुलिस सलीम खान को पकड़कर सेंट्रल कोतवाली थाने ले आई। इसके बाद पार्षद भी वहां पहुंच गए, जहां उन्होंने रसूख दिखाते हुए थाने के गेट को बंद करा दिया। थाने पर लोकायुक्त पुलिस ने खान से बॉन्ड भरवाया और फिर उसे जाने दिया गया। सर, क्या कुछ कार्रवाई की गई है आपके द्वारा, क्या शिकायत मिली थी? 6 भविष्य निधि एन्क्लेव है, मैं रहने वाले वासिद अली सैयद हैं। उनके द्वारा 10 तारीख को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त के समक्ष शिकायत की गई थी कि उनको अपना प्लाट बेचना है। उस प्लाट को बेचने के लिए जो संस्था है रघुवीर गृह निर्माण सहकारी साख संस्था, वो NOC देने के लिए रिश्वत मांग रहे हैं उनसे, जिसके लिए उनकी जो है शिकायत ली गई और रिकॉर्डिंग कराई गई। रिकॉर्डिंग में रिश्वत मांगना पाए जाने पर जो है आज ट्रैप दल का गठन किया गया था और कार्रवाई की गई। अब अभी इसमें जो नया वो ये है कि उसमें जो बताया था भैयाजी द्वारा कि वो अध्यक्ष हैं, अभी उनका अध्यक्ष होने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना है। अभी वो वेरिफिकेशन करने के बाद ही कुछ कहा जाएगा इसमें कि वो अध्यक्ष हैं या नहीं। सर, इसमें कुछ रकम भी? हाँ, 95,000 रुपये नगद उसमें।